और मेरे जैसे लोग प्रवेश नहीं कर पाते थे क्योंकि बाहर एक बोर्ड लगा हुआ रहता था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। हमें यहाँ बड़ी आसानी से प्रवेश मिला है, उसके पीछे कई हस्तियों के संघर्ष रहे हैं, तो आज हम आपके सामने उन्हीं में से कुछ हस्तियों के जीवन का परिचय करेंगे। तो आइए सबसे पहले मिलते हैं 1894 में जन्मी मैडम भिकाजी कामा। ये एक ऐसा परिवार था जहाँ शुरुआती दौर में देशभक्ति और आज़ादी की कोई चर्चा कभी नहीं होती थी। अरे मुन्नी आ गई, आ गए बैठो, अभी हम कहानी की शुरुआत ही कर रहे थे। आज हम हमारे पारसी धर्म की कहानी सुनने वाले हैं। इस पूर्वशती शताब्दी में पारसी पुलिस में एक महान पारसी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। जरोस्ट्रियन इन्हीं का राजधर्म था। दादी जरोस्ट्रियन मतलब क्या होता है? जरोस्ट्रियन मतलब धर्म, जैसे हमारा पारसी धर्म है ना वैसा ही धर्म। इसके करोड़ों में अनुयायी रोम से लेकर सिंधु नदी तक फैले थे। दादी सिंधु नदी कहाँ पे है? सिंधु नदी हिंदुस्तान के पश्चिमी कोने में आती है। मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा बचने के लिए इन्होंने ईरान से पलायन किया था। उन दिनों वहाँ का स्थानीय शासक था जादव राणा। जादव राणा ने कुछ शर्तें रखी थी। दादी कौन सी शर्तें थी? उसने पारसियों के पुरोहित दस्तूर नेरोसंग को एक कटोरे में दूध भिजवा दिया। ये दूध का कटोरा यह जताने के लिए था कि वो अपने देश में अवांछनीय थे। परंतु पुरोहित भी कुछ कम नहीं थे, उन्होंने इस दूध के कटोरे में थोड़ी सी चीनी मिलाकर भिजवा दी। इसका मतलब था कि पारसी लोग स्थानीय लोगों के साथ उसी तरह से घुल मिल जाएंगे जैसे दूध में शक्कर घुलती है। दादी वो शक्कर और दूध वाली मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। मुझे समझ गई, मैं समझा दूँ। दादी अभी कहानी हो गई तो हम खेलने जाएं? हाँ हाँ जरूर, पर लौट कर जल्दी आना। तुम चलोगे? हाँ तुम चलोगे? चलो चलो। मम्मी आज कॉलेज से आने में बहुत देर लगा थी, बाबूजी तेरा इंतजार कर रहे थे। कुछ नहीं दादी, वो बस ऐसे ही। मुन्नी बेटा आज भी कॉलेज जाने में इतनी देर लगा दी, कहाँ जाती हो कॉलेज के बाद? वो तो बस ऐसे पिताजी, वो बस अपने। क्या तुम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? नहीं। क्या बात है मुन्नी, क्या हुआ? सुनते हो, आप भी आओ, आपकी मुन्नी कुछ कहना चाहती है। क्या हुआ इतनी आवाज बनाने की, क्या बात है? कुछ नहीं माँ। मुन्नी वो बाबूजी, मैंने आपसे झूठ कहा था। जब उस दिन मैं और मेरी सहेली कॉलेज से लौट रहे थे तो हमने कुछ घोषणाएं सुनी थी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हमने वहां पर जाकर देखा तो कोई सभा चल रही थी। तुम्हें वहां जाने किसने कहा? वो बाबूजी हमें तो बस देखना था कि वहां पर क्या चल रहा था। वो लोग अंग्रेजों के खिलाफ बोल रहे थे, कह रहे थे उन अंग्रेजों का अत्याचार अब और नहीं सहेंगे। बेटा मुन्नी हम तुम्हें पढ़ने के लिए भेजते हो, तुम्हारा ध्यान कहीं और ही है। लेकिन माँ उनकी बातें मुझे आकर्षित कर रही थी। और वैसे भी उन्होंने क्या गलत कहा, अंग्रेज हम पर कितना अत्याचार करते हैं। बेटा वो क्रांतिकारी लोग हैं, हमें उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए और पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। लेकिन बाबूजी मुझे भी ऐसा लगता है वो लोग सही कह रहे हैं। जब तक हम उन अंग्रेजों को हमारी ताकत का परिचय नहीं दे देते वो लोग हम पर अत्याचार करते रहेंगे। ये विचार अपने दिमाग से निकाल दो। नहीं पिताजी, अब इसी विचार से हम उन अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल लेंगे। मुन्नी मुन्नी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखा अंग्रेजी कॉलेज में जाने के बावजूद उसके विचार। मुझे लगता है कि मुन्नी बड़ी हो गई है, उसकी शादी करा देते हैं। हाँ हाँ ये भी यही लगता है, उसकी शादी करा देंगे तो ये विचार उसके दिमाग में नहीं आएंगे और वो अपने दोस्त में खुश हो जाएगी। दूसरी क्रांतिवीर जिन्होंने देश का परचम लहराया वो थी अरुणा आसफ अली। एक बहुत प्रतिष्ठित हिंदू परिवार में जन्मी अरुणा गांगुली उस वक्त देश प्रेम में रंग गई जब उनकी मुलाकात प्रोफेसर आसफ अली से हुई। चलो जल्दी, पहले से ही देर हो गई है। अरे भीड़, किसकी भीड़ है ये? ओमकार ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? प्रोफेसर आसफ अली का भाषण सुन ले। ये कौन है प्रोफेसर आगा? ये गांधी जी के साथ उनके सच
सत्याग्रह में उन्हीं की बात रखने आए। यहाँ घर वाले पढ़ाई के लिए मुश्किल से भेज रहे हैं, आजादी की लड़ाई का लड़ेंगे। चलो, जब हम अपने घर से ही आजाद नहीं है तो देश को क्या आजाद करेंगे? देश की आजादी घर से ही शुरू होगी। देखा, वो भी यही बोल रहे हैं। पर यहाँ मौजूद सभी भाइयों से और खासकर बहनों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो अपनी अगली पीढ़ी को भी यही गुलामी देना चाहते हैं? गुलामी? अगर आप अपने घर से आजादी ला सकते हैं तो हमारे साथ जुड़े, हम पूरे भारत को आजाद कर सकते हैं। पर घर की आजादी आसान नहीं है, खासकर आप महिलाओं के लिए तो बिल्कुल नहीं। पर आप जननी है, समाज में नए संस्कार आपसे ही आते हैं, इसीलिए एक बार हिम्मत करें और हमारे साथ जुड़े। पहली बार कोई हमें समझने वाला मिला है। हम समझते हैं आपको। बापू के साथ एक बार बापू के इस आंदोलन में जुड़े और पूर्ण आजादी हासिल करें। भारत माता की जय। देश में एक तरफ अहिंसा की ताकत गांधी जी द्वारा बढ़ाई जा रही थी, वही जन्म ले चुके थे वो क्रांतिवीर जिसके वीरता के किस्से बचपन से ही शुरू हो गए थे। हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद की। आया क्या वो? नहीं नहीं, तो नहीं रहा अभी तक। ये तरकीब किसकी थी वैसे? ये किसी की तरकीब नहीं थी, वो खुद ही गया था शर्त लगा के कि रात रानी का फूल लाएगा। अरे तो दिमाग है कि नहीं, इतनी रात को बन जाता है रात रानी फूल लाने। अब रात रानी रात को ही मिलेगी ना। सुनो, मुझे तो लगता है कि हमें तिवारी चाचा को बता देना चाहिए। वो तिवारी चाचा तू इतना मारेंगे ना, तू खुद ही जंगल में भाग जाएगा। तो तुम्हें मार खाने पड़ी हो चंद्रशेखर, यानी कुछ हो गया तो। ए, जा 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 बुलाए जाने क्या? अरे मैं क्यों जाऊं छोटू, तू जा। हमारी अगली क्रांतिकारी, वह ऐसे परिवार में जन्मी जहाँ किसी बात की कमी न थी, ना पैसों की, ना शिक्षा की, ना सम्मान की। पर इन सब पे तब सवाल उठे जब इनके पिताजी ने अंग्रेजी हुकूमत खिलाफ एक कोर्ट केस उनके हाथ लिया। क्या लगता है पिताजी जीतेंगे? अरे पिताजी कहते हैं ना, कोर्ट में हार जीत तो शुरू ही रहती है, आखिर एक वकील का काम ही होता है अपने बहन को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करना। आपको पता है ना पिताजी किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ हाँ, वो एक खूनी है, वो एक 16 साल का हिंदुस्तानी लड़का है जिसने उस अंग्रेज अफिसर को मारा जो उसकी पुश्तैनी जमीन छीनना चाहता था। बधाई हो बधाई हो बधाई हो, स्वामीनाथन जी जीत गए, इतना मुश्किल केस और वो भी अंग्रेजों के खिलाफ, उन्होंने तो शायद इतिहास ही बना दिया हो। ये हमारे पिताजी जीत गए, चलो सबको बताते हैं। Your father is a minister. He uses a lawful trick to save and murder her. How dare you come to the gathering after what your father did? He saved the murderer. We won't be your friends anymore. अरे बेटा क्या तुम स्वामीनाथन जी के दर्शन हो? काश हर हिंदुस्तानी जी हिम्मत दिखाए। पहली बार ऐसे देखने मिला है कि अंग्रेजों की अदालत में कोई उनसे ही लोहा लेने वाला मिला है। अरे बिटिया, तुम्हारे बाबूजी ने तो भैया, इन अंग्रेजों ने तो हार हजम ही नहीं हो रही, हम क्यों इनकी पढ़ाई में अपना टाइम गवा रहे हैं? हाँ 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 हाँ, अब नहीं पढ़ेंगे इनकी किताबें, नहीं जानेंगे इनका इतिहास। माँ पिताजी से कह दो कि अब हम अंग्रेजी स्कूल नहीं हिंदुस्तानी स्कूल जाएंगे। हमारे हिंदुस्तानी स्कूल जाएंगे। हाँ हाँ, हमारे। रुस्तम कामा की शादी उनके घर वालों ने उस दौर में मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित पारसी परिवार में कर दी। रुस्तम कामा कभी भिकाजी के सामाजिक कार्यों से नाराज तो नहीं थे, परंतु वो और उनका पूरा परिवार अंग्रेजी हुकूमत के भक्त थे और भिकाजी पूर्ण देशभक्त। इसका नतीजा ये हुआ।
कब आए? 5 बजे। खाना खा लिया आपने? आज भी तुम देर से आई हो। आपको तो पता ही है बम्बई की हालत कुछ ठीक नहीं है, प्लेग बहुत फैल चुका है। देखो मुझे कोई तकलीफ नहीं कि तुम सामाजिक कार्य करो, लेकिन आंटी मुझे बता रही थी कि तुम कांग्रेस का साथ देकर झोपड़पट्टी में भी आने लगी हो। हाँ मैं जानती हूँ, क्योंकि झोपड़पट्टियों में ही सबसे ज़्यादा प्लेग फैला है। लेकिन तुम्हें उधर जाने की क्या ज़रूरत? उन्हें कुछ पैसे दो और ये बात खत्म करो। पर उन्हें पैसों की नहीं, हमारे सहारे की ज़रूरत है। अरे तुम जानती हो ना कि कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के खिलाफ है। हाँ मैं जानती हूँ। आने वाले वर्षों में कांग्रेस न केवल भारत को आज़ादी दिलाने में मदद करेगी, बल्कि नारी मुक्ति के लिए भी बहुत प्रयत्नशील होगी। अरे ब्रिटिश सरकार के कारण ही तो हमारे देश की इतनी प्रगति हुई है। तुम अच्छे घर की बहू हो, महंगी पोशाकें पहनो और गहनों से सज धज कर दावतों का हिस्सा बनो। नहीं, अब मैंने देश सेवा का व्रत ले लिया है। तो क्या आप तुम यही चाहती हो? हाँ, मुझे मेरा देश पुकार रहा है, और कब तक मैं इस हृदय के पुकार को अस्वीकार करती रहूंगी? हाँ, अब मैंने अपने भारत देश को आज़ाद करने का ठान लिया है। तो ठीक है, मैं माँ से आज ही बात कर लूँगा। अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने। आप एक आदर्श पत्नी हैं, आपने हमेशा ही अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियाँ निभाई। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं वो पत्नी नहीं बन पाई जो आप चाहते थे। मैं कल ही अपने माँ के घर लौट जाऊँगी। इस घटना के बाद मैडम बिकाजी कामा ने अपने आप को पूरी तरह समाज व देश सेवा में अर्पित कर दिया। जिस प्लेग की बीमारी से वो बम्बई को बचाना चाहती थी, वो बीमारी उन्हीं को हो गई। उनको क्या पता कि अगले 35 सालों तक वो भारत नहीं लौट पाएंगी। खैर, जहाँ एक शादी टूटी वहाँ एक शादी जुड़ी भी। अरुणा गांगुली की आसफ अली से शादी कर बन गई अरुणा आसफ अली। एक परिवार तो छूट गया, पर आसफ अली ने उन्हें एक दूसरा परिवार दिया, सत्याग्रहियों का परिवार, जिसके मुखिया थे महात्मा गांधी। दिन
बिना कंबल के रहेगा, यहाँ की ठंडी के वजह से कुल्फी जम जाएगी। अरे भैया तुम भी हमारी तरह का पाकिट मारो ना। नहीं, यहाँ पर कैसे है? पुलिस अफसर को मारा। अरे बाप रे, पुलिस अफसर को मारा? क्या हुआ था? मैंने कुछ क्रांतिकारियों को आंदोलन करते देखा, वहाँ पुलिस आई और उन्होंने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। मुझसे रहा न गया और मैंने पत्थर उठाकर उनके माथे पर फेंक मारा। फिर तो तुम पकड़े ही जाओगे। नहीं, मैं तरकीब लगा के वहां से बाहर तो निकल आया, लेकिन उस दिन मैंने चंदन का टीका लगाया था। पूछताछ करते करते वो लोग मेरे घर तक आ पहुंचे और मेरे कमरे में क्रांतिकारियों की तस्वीर देख वो समझ गए कि मैं ही वो था। अरे गिड़गिड़ा के बड़े साहब से कंबल मांग लो, नहीं तो रात में कुल्फी जम जाएंगी। नहीं, वो एक नया लड़का है बिना कंबल के, देखो उसकी कुल्फी तो नहीं जम गई। यहाँ तो कोई नहीं है। अरे यार, ये सब काम कर लो। यहाँ पे इतनी ठंडी है और इसके पसीने छूट रहे हैं। ये आदमी है कि लोहा? अगला मुकदमा केस नंबर 1204। तुम्हारा नाम? आजाद। पिता का नाम? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। तुम्हारा घर कहाँ है? जेल खाना। मुजरिम को 15 बेतों की सजा सुनाई जाती है। भारत माता की जय। लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनका भारत में प्रवेश अंग्रेजी हुकूमत ने रोक दिया था। शर्त ये रखी गई कि जब तक मैडम कामा लिखित रूप में कांग्रेस के साथ की गई हुई सभी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए माफ़ी ना मांग ले, उन्हें हिंदुस्तान में प्रवेश नहीं मिलेगा। इस अन्याय को मैडम कामा ने एक चुनौती के रूप में लिया और प्रण लिया कि वे वहाँ विदेश में रहकर ही आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगी। हमारा देश है, हमारा ध्वज है, हमें उसे फैलाने से कोई नहीं रोक सकता। किसी भी पूर्ण सामाजिक राज्य की सरकार इतनी अत्याचारी नहीं होती। ब्रिटिश सरकार का भारत में रहना बहुत हानिकारक व खतरनाक है, अतः आप सब मिलकर। परंतु इसका अर्थ क्या है? ना तो हमारा बिल पास होगा। हमें पता है कि अंग्रेजी सेना इसके लिए कभी मंजूरी नहीं देगी, अतः इसे अस्वीकार करेगी। हमें इस बिल को पास करना भी नहीं, हमें अपने यूरोपियन साथी को ये जतलाना है कि हम ब्रिटिश शासन से खुश नहीं हैं। ब्रिटिश शासन कितना अत्याचारी है, ब्रिटिश शासन ने जो अपनी छवि यूरोप के सामने लाई है वो गलत है, ये हमें जतलाना ही होगा। परंतु ये कैसे संभव है? हम अपना झंडा ले रहे हैं जिससे हम अपनी स्वतंत्रता की मांग करेंगे। हालांकि ये बिल कभी पास नहीं होगा, पर हमारे यूरोपियन साथी को ये जरूर पता चल जाएगा कि हम ब्रिटिश सरकार से खुश नहीं है। अब हमें अपनी बात अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में रखनी होगी ताकि अपने रूसी भाइयों को हम अपनी तरफ ले सकें। आपके
भारत में कोई सामाजिक दल तो नहीं है, इसलिए अब मैं यूरोपियन दल में जुड़ रही हूँ ताकि अपने देशवासियों की बात उन तक पहुँचा सकूँ। ये क्या है? बासी रोटी और ये दाल के नाम पे पीला पानी? तो क्या शक्कर भूख खाएगी? जेल है, तेरा ससुराल नहीं है। फिर इन विदेशी कैदियों को क्यों अलग खाना मिलता? क्योंकि वो विदेशी नस्ल के हैं। कोई चोर है, कोई डकैत है, कई तो हत्यारे हैं, और हम अपनी स्वराज्य की मांग करने वाले, और आप उनसे नीचे हो गए? कहाँ ना नस्ल का फर्क है, वो अंग्रेज है और तुम? हम हिंदुस्तानी, हमारी धरती है ये, इस पे पहला हक हमारा होना चाहिए। ओए ज्यादा जबान ना लड़ा, तुझे खाना है तो खा, नहीं तो मर भूखी। भूखी मर जाऊंगी पर अपने ही देश में ऐसा खाना नहीं खाऊंगी। भारत माता की जय। जिन्होंने ना सिर्फ उनके बल्कि पूरे हिंदुस्तान के क्रांति की तस्वीर बदल दी, यानी सुभाष चंद्र बोस। रानी झांसी ने 20 वर्ष की उम्र से युद्ध लड़ना शुरू किया था। उनके विरोधी कमांडर ने यह कहा था कि उनके विद्रोह में लड़ने वाले दल में से वो सबसे वीर थी, मतलब झांसी की रानी। भारत फिर से ऐसे अनेक झांसी की रानियां उत्पन्न कर सकता है। मेरी कितनी बहने ऐसा सामर्थ्य रखती है, एक बार झांसी रानी रेजिमेंट को ज्वाइन करें और
पूर्ण आजादी हासिल करें। आप देखेंगे कि आप स्वाधीन भारत में सांस ले रहे होंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। क्या हम सिंगापुर में घूमकर ढूंढ सकते हैं? तुझे भूला ना बंद कर दे सोचना। और वैसे भी यहाँ के हिंदुस्तानी परिवार मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है। आज तक तो मुझे अपने भारतीय महिलाओं में आजादी के प्रति उत्सुकता दिखाई ही नहीं दी है, पर फिर भी झांसी रानी रेजिमेंट में 20 महिलाओं की राजी आ गई। हाँ, पर हमारे पास तो यूनिफॉर्म बनाने का समय ही नहीं बचा। अब हम क्या यूनिफॉर्म का इंतजार करेंगे? यूनिफॉर्म तो दूर की बात, पहले नेताजी से मुलाकात तो जाने दो। मुझे नारी शक्ति पे पूरा विश्वास है और मुझे ये भी पता है कि अगर औरतों को एक बार भी काम दिया जाए तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जी, अब हम विदेशी साम्राज्यवादी शत्रु को हराएंगे और साथ ही साथ पुरुष समाज द्वारा किए जाने वाले दामन और उनकी पराधीनता पर भी विजय पाएंगे। इस तरह हम सामान्य अधिकारों की भी मांग कर सकेंगे। लक्ष्मी, क्या तुम झांसी रानी रेजिमेंट की कमांडर बनोगी? जी बिल्कुल, मैं बिना किसी शर्त के आपका समर्थन कर सकती हूँ। अब हमें मुख्यालय में सिर्फ एक दफ्तर दिया जाए और मैं अपनी रेजिमेंट बनाना प्रारंभ कर दूं। हाँ जरूर, और तुम्हारी ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। आइए आइए। यह मैडम मीका जी का नाम और यह वीर दामोदर सावरकर। अरे इन्हें कौन नहीं जानता, इनकी वंदे मातरम पत्रिका पूरी दुनिया भर घूम के भारत पहुँचती है। आपका हिंदुस्तान जाना तो बहुत मुश्किल हो गया। हाँ, अंग्रेज मुझे हिंदुस्तान में बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। देशवासियों पर अत्याचार ना देश के बाहर खत्म हुए हैं ना देश के अंदर। इस मदन को ही देख लो, कक्षा में भारत का बैच लगा के गया था, अंग्रेजी अध्यापक ने बाहर ही कर दिया। अब वो उस अध्यापक का खून बहाना चाहता है। देखो, मैं जानती हूँ देश के लिए खून बहाना बहुत जरूरी है, लेकिन जो सोच उस अध्यापक में आई है वो किसके वजह से आई है, पहले उसे खत्म करना जरूरी है। और वो कौन है? अंग्रेजी जासूस करजन वाइली। उसने बहुत सारे क्रांतिकारियों को भी जेल में डाल दिया है। देखो, अभी तो तुम छोटे हो, हम उसे देख लेंगे। काकोरी कांड ब्रिटिश सरकार के मुंह पर करारा तमाचा था। गोरी सरकार थरार उठी। काकोरी कांड के बाद पुलिस ने उत्तर प्रदेश के सब नगरों में जाकर छापे मारे, जहां पर क्रांतिकारियों के होने की जरा भी उम्मीद थी। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, रोशन सिंह, राजेंद्र राहिया जैसे महान क्रांतिकारी पकड़े गए, पर आज़ाद अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। पकड़े गए ज़्यादातर क्रांतिकारियों को सजाए मौत दे गई। बिस्मिल बड़े अच्छे शायर थे। अपनी सजाए मौत सुनकर उन्होंने कहा, शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। अपने सभी साथियों को खोकर आजाद टूट चुके थे। अशफाक, बिस्मिल, न जाने कितने साथियों को मैंने काकोरी कांड के बाद खो दिया। उनके जाने के बाद मेरा आत्मविश्वास कुछ टूट सा गया। अरे बस इतनी सी बात पर तुम इतना परेशान हो रहे हो? यह सब तो इस रास्ते पर लगा रहता है। बलिदान तो क्रांति की सबसे अहम और आवश्यक मांग है। इस परिस्थिति में परेशान होने लायक कोई बात नहीं। तुम्हारे जैसे क्रांतिकारी का निराश होना बिल्कुल ठीक नहीं। आप इसे छोटी सी बात कह रहे हैं? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक जैसे नेताओं की कमी आखिर कैसे पूरी हो सकती है? हाँ, ये तो मैं भी जानता हूँ कि एक सच्चा सहयोगी और एक निष्ठ कार्यकर्ता आसानी से नहीं मिलता। लेकिन देश सेवा में जहाँ हमने अपनी जान की बाजी लगा दी है, वहाँ तो ये सब बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। ऐसे लोग तो बनाए जाते हैं, उत्पन्न नहीं किए जाते। क्या तुम स्वयं बिस्मिल से कम हो? दृढ़ता और लगन से हर कार्य संपन्न किया जा सकता है। हम एक बार फिर इस संगठन को खड़ा करेंगे। हम अपने आ
आशीर्वाद है गुरुजी, मैंने कोई बाधा तो नहीं डाली? अरे बिल्कुल नहीं भगत, बल्कि मैं तो तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था। मेरे लायक कोई सेवा? सेवा तो तुम कर ही रहे हो भगत, मातृभूमि की सेवा से बड़ी और कोई सेवा नहीं रहती। वैसे भगत इनसे मिलो, शायद तुम नाम से परिचित भी होगे। आप भगत, ये है चंद्रशेखर आजाद, और आजाद ये है भगत सिंह, मातृभूमि को पूर्णतः समर्पित युवा। भगत, पंडित जी आजकल कुछ निराश रहते हैं, बिस्मिल को फांसी होने के कारण वह बहुत परेशान है, अतः मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक साथ मिलकर काम करो। मुझे बहुत खुशी होगी गुरुजी, पंडित जी जैसे महान क्रांतिकारी के साथ काम करने के लिए। क्या हुआ पंडित जी, आपको कोई ऐतराज है भगत के साथ काम करने में? दरअसल आप संकोच में मत पड़िए पंडित जी, निसंकोच अपनी बात कहिए। जी एक तो मैं भगत की क्षमताओं से परिचित नहीं हूँ, दूसरा मुझे देखते ही कहने लगते कि अभी अभी कॉलेज छोड़कर आया, पता नहीं ये मेरी कठोर शैली को बर्दाश्त भी कर पाएंगे या नहीं। मातृभूमि के लिए अभी मिट जाना ही हमारा सात्विक कर्तव्य है। अभी मैं चलता हूँ, वादा करता हूँ कि अपना खोया आत्मविश्वास वापस लेकर आऊंगा और इस संगठन को नव जीवन दूंगा। महान क्रांतिकारी घर से निकलते हैं, मैं भगत को टूटते देख सकता हूँ पर बिखरते नहीं। गुरुजी जैसे महान क्रांतिकारी के दिल में जो आग जल रही है, वही आग मेरे दिल में भी जल रही है। अरे क्या बेवकूफी है ये भगत, मेरे भाई इतनी आग तो शायद मेरे सीने में भी नहीं थी। भगत सिंह व उसके नए साथियों का नेतृत्व करते हुए आजाद अपनी क्रांति के चरम पर पहुंच गए। अनेक अंग्रेजी ठिकानों पर डकैती करने से लेकर पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की हत्या का बदला सैंडर्स को मार के लिया। अब अंग्रेज हुकूमत उन्हें कुत्तों की तरह ढूंढ रहे थे और वे हवा की तरह गायब रहते थे। यही दूसरी ओर लक्ष्मी अब बन चुकी थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल, पर यह पोस्ट उन्हें ऐसी ही नहीं मिली बल्कि सालों चली संघर्ष भरी ट्रेनिंग के बाद ही मिली। यदि हम उनको किसी तरीके से जेल से निकाल लें और उन्हीं के
तरह दिखने वाले को जेल में रख दे तो? हमने कोशिश तो की थी पर ये कोशिश भी नाकामयाब रही। अब हमें हिंसा का रास्ता अपनाना ही होगा। जिस गाड़ी में सावरकर जाते हैं हम उस पर धावा बोल देंगे और सावरकर को वहां से निकाल लाएंगे। तुम आज ही सारी हथियारों को बंदोबस्त करो, उस जगह की सारी जानकारी निकाल लो। ये प्लान अब फेल नहीं होना चाहिए, हमें सावरकर को निकालना ही होगा। पिताजी और सावरकर उस तरुण मदन लाल डिंगरा के जोश को सही माप नहीं पाए। करजन वायली के जिक्र ने उसके अंदर क्रांति भर दी। उसने अकेले ही बहुत कम समय में योजनापूर्वक करजन वायली की हत्या कर आत्मसमर्पण कर लिया। इसका नतीजा ये हुआ कि हत्या के साजिशकर्ता के रूप में सावरकर पकड़े गए और उनको बचाने की कोशिश में मैडम का मां कोशिश में जुट गई। हमने जो सोचा वो नहीं हुआ, प्लान नाकामयाब रहा। अब हमने जो ये प्लान बनाया है उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। क्या सावरकर तक सारी प्लान की जानकारी पहुंच चुकी है? जी हाँ, बस अब सब प्लान के मुताबिक होगी। सावरकर को अपने सारे बंधन तोड़ने होंगे, कूदकर उन्हें तैर कर तट पर पहुंचना होगा। ये प्लान जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। पता नहीं सावरकर इसके लिए तैयार होंगे भी कि नहीं। अब सावरकर का जहाज 1 घंटे में पहुंचता ही होगा, हमें चलना होगा। सावरकर तट पर पहुंच चुके हैं इतने जल्दी? सबको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सबको? हाँ, पंडित जी, सरदार जी, यहाँ तक के बापू को भी गिरफ्तार कर लिया है। बापू को भी? किस इल्जाम में? कोई इल्जाम नहीं, अंग्रेजों को शायद पता था आज के सत्याग्रह के बारे में। साजिश के नाम पर सबको गिरफ्तार कर लिया है, आसन जी को भी गिरफ्तार कर लिया है। अरुणा क्या कर रही हो? सत्याग्रह की तैयारी। सत्याग्रह? कौन सा सत्याग्रह? सब तो जेल में है। हम बाहर है ना, जिंदा है ना, तो हमें कौन रोक रहा है? क्या बस हम इतने जल जाएंगे? मैं अकेली रही तो भी जाऊंगी। पर अरुणा तुम चौरा चौरी कांड याद है ना? पूरे देश में उसे घटना के कारण पूरी क्रांति रुक गई थी। अगर हम अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो इंसान होने का हक नहीं है हमें। बापू ने जब शुरुआत की थी तब तो वे अकेले ही थे, हम तो फिर भी काफी है। एक बात समझ लो, अगर उस मैदान में एक बार हमने ध्वज लहरा दिया तो पूरे देश को पता चल जाएगा कि बापू ने क्रांति शुरू करवा दी। अब आज चाहे जो हो जाए उस मैदान के बीचों बीच हम झंडा लहरा कर ही रहेंगे। भारत माता की जय। नमस्ते जी। अरे मैं नहीं, ये। नमस्ते, आप कौन है? इन्हें नहीं जानते तुम, ये गवर्नर के पीए है। कहाँ से आए? अभी लखनऊ से आए हैं। कैसे, किससे आए? अरे गाड़ी से, दो पहिया वाली है। अरे मेरे को 4 पहिये वाली। क्या पीए का गवर्नर है? नहीं, गवर्नर का पीए। नहीं आ जाता। कोई बात नहीं, क्या तुम ही करमचंद हो? हाँ।
क्या तुम जानते हो हम गवर्नर के पीए हैं? हाँ जानता हूँ। गवर्नर का टेलीग्राम आया था कि तुम सब सेठ साहूकारों से पैसे लिए जाए। कितने पैसे? कम से कम 15,000। नहीं नहीं कम से कम 20,000। अरे नहीं कम से कम 25,000। शंकर शाम के लिए पानी ला। आया सेठ जी। 25,000 ज्यादा नहीं हो गए? तुम्हें गवर्नर ने सोचा है कि तुम्हें राय बहादुर बनाया जाए। राय बहादुर? अरे ब्रिटिश सरकार के लिए तो जीना हाजिर है। ये लीजिए 25,000 रुपए। गुच्चा नौकरी जल्दी ही मिल जाएगी। थैंक यू सर। राय बहादुर राजू की माँ को बताना होगा। और हाँ उनके मनपसंद मोतीचूर की लड्डी भी ले जाता हूँ। सेठ जी क्या है भैया? पुलिस आ रही। अरे पुलिस क्या हुआ? यहाँ कोई दो लोग आए थे। हाँ हाँ आए थे। उनमें से एक को मूंछ थी। हाँ हाँ थी। अरे वो चंद्रशेखर आजाद था। क्या? और उसके साथ वाला भगत सिंह। अरे नहीं वो मेरे 25,000 रुपए लूट के गए। तुम्हें पता है वो कहाँ गए? वही हुआ। उन्हें सैंडर्स के हत्याकांड के लिए पकड़ लिया गया। राजगुरु और सुखदेव भी पकड़े गए। सिर्फ एक आजाद ही थे जो अब तक उनके हाथ में आए। पर कहते हैं ना जैसे सूरज को कोई उगने से रोक नहीं सकता वैसे उसे डूबने से भी कोई रोक नहीं सकता। उनके ही परिचित तिवारी ने उनके साथ विश्वासघात किया। योजनापूर्वक उन्हें इलाहाबाद के अल्फ्रेडो पार्क बुलाया और वहीं दूसरी तरफ देश की वीरांगना कैप्टन लक्ष्मी सहगल भी रानी झांसी रेजिमेंट को लिए इम्फाल मोर्चे पर थी। उनके और ब्रिटिश सेना के बीच घमासान युद्ध शुरू था। पर सच ये है कि आज हम हमारे फौजी भाइयों के साथ
कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं तो उनके मन में हमारी सुरक्षा और मान के लिए और हौसला बढ़ गया है। इसलिए आज एक औरत होना हमारी कमजोरी नहीं, हमारी यह पूरी देश की सबसे बड़ी ताकत है। आज मत जाएंगे, हम अब झुकेंगे नहीं। याद करो क्या वादा किया था हमने सुभाष बाबू से, याद करो अपना राष्ट्रगान, याद करो क्या वादा किया था हमने अपने हिंदुस्तान को। और मैडम कामा वही सम्मान के साथ भारत लौट आई। अरुणा असफली तमाम मुश्किलों के बावजूद ग्वालियर मैदान में झंडा लहरा ही दिया। ये बात भारत में ऐसी फैली जैसे आग थी। अंग्रेजों भारत छोड़ो इसका नारा बच्चा बच्चा लगाने लगा। आजाद हिंदुस्तान में वो दिल्ली की पहली मेयर बने। 1997 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा भी गया। पर चंद्रशेखर आजाद,
आजाद शहीद हो गए। भारत माँ की धरती लाल थी। अकेले आजाद को सैकड़ों पुलिस वालों ने घेर लिया था। उन पे मानो गोलियों की बारिश हो रही थी। इस लड़ाई में भी उन्होंने 3 अंग्रेजी सैनिकों को मार गिराया और अनेक तो घायल थे। कभी कभी यह सवाल उठता है कि अपने आखिरी वक्त में उनके मन में क्या आया होगा। उस गुलाम हिंदुस्तान में भी चंद्रशेखर को एक आजाद मृत्यु प्राप्त हुई। कुछ ही दिनों में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी लगा दी गई। लाला राजपूत राय, अशफाक खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लहाड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, न जाने ऐसे कितने शहीद क्रांतिवीर इस आजाद हिंदुस्तान को न देख पाए। लेकिन तू भी वो अपने आखिरी दम तक लड़ते रहे, अपना सब कुछ लुटा दिया इस आजादी के नाम। सवेरे पंख पखेरु तेरे ही गुण गाए, बास भरी भरपूर हवाए, जीवन में रुत लाए। सब मिलकर हिंद पुकारे, जय आजाद हिंद। हमारा सूरज बनकर जग पर चमका।